हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा चौहान, योर इंग्लिश टीचर। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 6 टेंसेस, जिसमें हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा था हमने, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, टेंस, इसकी क्या पहचान होती है? वाक्य के अंत में क्या आता है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और साथ में टाइम भी होगा, है ना? यही तो होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस में, टाइम भी दिया होता है हमें। हमने जब पास्ट पढ़ा था, प्रेजेंट पढ़ा था, तो उसमें बताया था कि परफेक्ट कंटीन्यूअस में जो पहचान होती है वो कंटीन्यूअस की होती है, लेकिन उसमें क्या होता है? समय दिया होता है। ठीक है, परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या दिया होता है? समय भी दिया होता है। तो हम लिखेंगे वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, आदि शब्द आते हैं, साथ में काम के जारी रहने का समय भी दिया होता है। इसमें कोई काम है, काम जो होता है वो जारी रहता है, मतलब कुछ पास्ट में शुरू हुआ होता है, कुछ टाइम पहले शुरू हुआ होता है, वो अब भी जारी होता है। जैसे कि माता जी आधे घंटे से खाना पका रही होंगी, तो आधे घंटे पहले काम शुरू हुआ था और वो अब भी जारी है। ठीक है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में आता है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में, जो मैं प्रेजेंट और पास्ट में बताया था मैंने आपको। पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 का यूज़ करते हैं, जैसे 4, 2 आवर्स, 4, 3 ईयर्स, etc. ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़ करते हैं, जैसे सिंस 2 o'clock, सिंस 1997, सिंस मॉर्निंग etc. ओके, अब हम पढ़ते हैं इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ओके, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस हैव प्लस बीन, विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है इसमें? ing फॉर्म। ठीक है, ing फॉर्म आती है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 या सिंस आता है, प्लस टाइम। ओके, तो
तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल वन, जैसे कि पिताजी 10 मिनट से अखबार पढ़ रहे होंगे, तो लिखेंगे फादर विल हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर। देखिए 10 मिनट जो है ये पीरियड ऑफ टाइम है, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम, तो हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेते हैं 4:10 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, लड़के सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो लिखेंगे द बॉयज विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके लिए सिंस लगाएंगे हम। ओके, नेक्स्ट नंबर थर्ड, माता जी पिछले 1 घंटे से खाना बना रही होंगी, तो लिखेंगे मदर विल हैव बीन कुकिंग फूड। ये पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है, क्या है ये पीरियड ऑफ टाइम, मदर विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर लास्ट 1 आवर। ओके, ये आपके हो गए अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ओके स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव सेंटेंसेस आपके कंप्लीट हो गए हैं, अब कराऊंगी मैं आपको नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस, ओके, नेगेटिव सेंटेंसेस, इसमें क्या रोल होता है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वही विल शैल आता है, प्लस नॉट, बाद में आता है हैव प्लस बीन। ये जो हैव बीन है ये बाद में आता है, नॉट पहले आता है, ठीक है। फिर आती है वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फोर आता है प्लस टाइम आता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके नेगेटिव सेंटेंस। इसमें एग्जांपल देख लेते हैं हम, पहला बच्चे सुबह से शोर नहीं मचा रहे होंगे, तो लिखेंगे द चिल्ड्रन, जो रूल ऊपर है वही सब्जेक्ट, फिर साथ में आएगा विल नॉट हैव वीन मेकिंग अ नॉइज सिंस मॉर्निंग। यही तो रूल है। सेकंड एग्जांपल हम लिख लेते हैं, वह अप्रैल से यहाँ नहीं रह रहा होगा, तो लिखेंगे ही विल नॉट हैव बीन, ही विल नॉट हैव बीन लिविंग हेयर सिंस अप्रैल।
ओके, या हो ये हो गए आपके नेगेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।